भगत सिंह की औलाद बताने वाले। अरे 23 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी झूल गए थे, एक बार झूठ मूठ डाके खंबे पे चढ़ जाए केजरीवाल। अगर आपके बस का नहीं अपने मंत्री को अंदर करने का तो हमें बताइए, हम हथकड़ी पहन के उन्हें जेल के अंदर डरवा देते हैं। अरे टेक्नोलॉजी का मतलब है तो घर घर शराब पहुंचाओगे क्या, अमेज़न पे बेचोगे क्या? दवाई ले ले सर दर्द की तो आपको गले की वो दवाई दे देंगे, कहीं गरारे कर लेना। आटा चावल, ये चावल के साथ चावल, दाल के साथ दाल, चीनी के साथ चीनी, तेल के साथ तेल, क्यों फ्री नहीं है? शराब के साथ शराब क्यों फ्री है? आप देखिए ना, पीपी के मध्यम वर्ग के लोग तो मर रहे हैं, बीबियों को मार रहे हैं, गहने बेच दिए, बच्चे स्कूल की फीस नहीं जमा कर रहे, बच्चे घर में बैठ गए हैं। इस सरकार को बदलना है और मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जनता आवाज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, साथ में है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, हेड ऑफिस है, और उसके पास यहाँ पर आम आदमी पार्टी का घेराव करने के लिए कांग्रेस जो है यहाँ पर आ चुकी है। और सामने यहाँ आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से केजरीवाल के पोस्टर लगाकर और मनीष सिसोदिया का पोस्टर लगाकर गधे पे बैठकर इस तरीके से सत्येंद्र जैन की हुई गिरफ्तारी, और ये केजरीवाल जी की फोटो लगाकर यहाँ पर इस पे गधे पे बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये गली गली में गधा जाएगा, केजरीवाल जी की पोल खोलेगा। केजरीवाल जी ने मुफ्त के नाम पे लोगों को ठगा है, चाहे वो आबकारी नीति हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, जितने भी इनके मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका दिल्ली की जनता को जवाब देना चल पड़ेगा। मुफ्त के नाम पे कुछ नहीं है, दिल्ली को लूटा जा रहा है, युवाओं को लूटा जा रहा है, शराब देने के नाम पे लूटा जा रहा है। उसी का विरोध करने के लिए आज हम अनिल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी केजरीवाल के दफ्तर का घेराव करने आए हैं। तो ये गले में जंजीर और ताला भी देख सकते हैं। अगर आपके बस का नहीं अपने मंत्री को अंदर करने का तो हमें बताइए, हम हथकड़ी पहन के उन्हें जेल के अंदर डरवा देते हैं। इसी को दिखाने के लिए केजरीवाल जी, आपको अपनी कथनी और कथनी को बदलना पड़ेगा, ईमानदारी का ढोंग बंद करना पड़ेगा। और ये गले में बोतलें भी आपने टांग रखी है, रॉयल स्टैग की बोतल देख सकते हैं। घर के जब युवा निकलता है, कोई महिला निकलती है, कोई साथी निकलता है, तो घर के बाहर आज शराब की बोतलें पड़ी होती हैं। जो 1x1 स्कीम लगा रखी है, आज दिल्ली की जनता को रोजगार चाहिए, दिल्ली की जनता को व्यापार चाहिए, लेकिन आज इसने सिर्फ शराब के नाम पे लोगों को ठगा है, लोगों को गुमराह करा है, लोग बेरोजगार है, परेशान है, इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर है। शराब तो जो है कार्य क्या कांग्रेस के कार्यालय में नहीं पीते हैं लोग, आप लोग नहीं पीते हैं? 25 साल की उम्र करी थी केजरीवाल ने, उसमें उपलब्धि करके आज उम्र 21 साल करी, सिर्फ अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, इसी के लोग कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उनका विरोध करने आई है। अभी आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है दर्ज कराया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। ये सामने मनीष सिसोदिया का पोस्टर लगा हुआ है और केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है उनका पोस्टर लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं नई एक्सरसाइज नीति का जिम्मेदार मनीष सिसोदिया, इस्तीफा दो, इस्तीफा की मांग हो रही है, और गधे पर बैठे हुए हैं ये। तो सोचिए, एक जो मनीष सिसोदिया, आपको मालूम है शिक्षा के लिए जो है कितने स्कूल्स के लिए काम किया उन्होंने लगातार मनीष सिसोदिया ने, और केजरीवाल दिल्ली के सीएम है उनका पोस्टर इस तरीके से लगाकर जो गधे पर बैठकर आप सामने देख सकते हैं। अभी और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ जुटी है, क्या हुआ सर, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आपको मालूम होगा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो शिक्षा मॉडल और दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर जो सारे देश में पंजाब में सरकार बनाई, उस सरकार ने दिल्ली के अंदर एक नई आबकारी नीति लेकर आए जिससे हर विधानसभा के अंदर कहीं 10 कहीं 12 ठेके खोले गए। उन ठेकों का बंडा फोड़ हुआ है। एक मंत्री केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का सत्येंद्र जैन आज जेल में है और दूसरे के जाने की तैयारी है। परसों दिल्ली के LG लेफ्टिनेंट गवर्नर नवीन कुमार सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए। 144 करोड़ रुपए का घोटाला इस आबकारी नीति में इन लोगों ने किया है। दिल्ली की जनता को फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पर ढकोजलीबाजी देकर उनको वहाँ मौत के मुंह में धकेलने का काम इस शराब नीति को लाकर किया है, और इसकी पूरी अनियमितता को समझना होगा। जो गृह सचिव हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और 144 करोड़ रुपए में इन लोगों ने ये ठेके अकाली दल के नेताओं को बेचे दिल्ली में, और उसकी अब पोल खुलने जा रही है। LG ने जाँच के आदेश दिए हैं, और क्यों आम आदमी पार्टी ये CBI जाँच में CBI का क्यों जो है वो साथ नहीं दे रही है? अगर आप लोग निर्दोष हैं तो आइए
जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी ने बुलाया और वहाँ गए और उनके कार्यकर्ता तमाम हम दिल्ली और देश की सड़कों पर उतरे, तो अगर आप सच की राह पर हैं, आप सही हैं, तो आप आइए सड़कों पर। इससे ये साबित होता है कि आप लोग झूठ हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर और भी युवा और महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं या महिलाओं से भी बात करते हैं, क्या कुछ है? भ्रष्टाचार के पोस्टर आप लेके खड़े हुए हैं और दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं, केजरीवाल जी का घेराव करने आ गए, क्या कुछ हो गया? देखिए जी, अगर हमारी मैडम जो हमारी मतलब प्रधानमंत्री की बीबी, प्रधानमंत्री की बहू, और जो आपको पता 70 साल कांग्रेस ने क्या दिया, किसी छुपा नहीं है, अगर उनके ऊपर ईडी बैठाया जा सकता है तो मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई जांच जबरदस्त होनी चाहिए और उनको भी बैठा के किया जाएंगे, गोल बॉल की तरह घुमा दिया जाए, फिर जाकर डिब्बे में डाल दिया जाए। हम उसी हक के लड़ाई के लिए, हम चोर नहीं है। अभी देखिए सत्येंद्र जैन जी जेल में है, उनके खिलाफ क्यों नहीं आम आदमी निकली रोड पे, लेकिन कांग्रेस ही निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर चोर नहीं है, हम लोग साफ सुथरा है। हमें न्याय चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए और सीबीआई जांच जबरदस्त होनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो केजरीवाल जी का आप घेराव कर रहे हैं, जो अभी अभी सामने हमने पोस्टर देखा, गधे पे बैठा कर दिल्ली के सीएम है। अरे भाई, शराब एक के साथ एक फ्री। हाँ। रिक्शे वाले बीबियों को मार रहे हैं, युवाओं अपने पत्नियों को मार रहे हैं, डिब्बा खरीद रहे, गहना बेच रहे, रोटी नहीं बच्चों खाने के लिए, स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, लेकिन उनको एक साथ एक बोतल फ्री, 6 बोतल के साथ 6 फ्री, 12 बोतल है ना। युवा हमारे भटक गए, सुनो भैया, हमारे भी बच्चे युवा भटक चुके हैं, शराब भी पी के लत पड़ गई, बेहोश होकर रोड पे पड़े हुए हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप बोल रही है एक के साथ एक फ्री, एक बोतल भी तो मिलती थी तब भी पीते थे सभी, एक के साथ एक फ्री होने आदर पारक साथ 12 फ्री ले जा रहे हैं, तो अच्छा, पोटी भर भर के ले जा रहे हैं, चाहे बच्चे खाएं चाहे ना खाएं। अच्छा, आम आदमी भी पीता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में भी जो मतलब कार्यकर्ता हैं वो लोग भी पीते हैं, क्या कांग्रेस के पार्टी में जो नेता हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो क्या लोग नहीं पीते हैं? मैं महिला हूँ, सुनिए, मैं एक महिला हूँ, मेरा पति बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, और सभी महिलाओं के पति और बच्चे बिगड़ रहे हैं। जिसके घर में कमाने वाला अगर पी के लुढ़क जाएगा तो रोज क्या करेगा, वो कमा नहीं रहा है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है, महिलाएं परेशान है। चाहती क्या है कि शराब बंदी हो जाए? हाँ, शराब बंद क्यों, ऐसा शराब दे रहे हैं, इतने सारे ठेके खुल गए, तो कब से चलती आ रही है? हॉस्पिटल में दवाई तक तो है नहीं, बेड तक तो है नहीं, शराब फ्री क्यों दे रहे हो? बेड बढ़ाइए ना, कांग्रेस के दिए हुए हॉस्पिटल है, उन्हीं के दिए स्कूल है, उन्हीं के दिए कॉलेज है, ऊपर लाके तुम पोती पाता कर दो, ऐसा नहीं होगा। मोहल्ला क्लिनिक खोला तो है उन्होंने, अरे जाके देखो ना, जो डॉक्टर बैठे सुई लगाना भी नहीं आता मैडम। अच्छा, हम लोग समाज से भी है, पश्चिम बिहार का मोहल्ला क्लिनिक देखा है? हम लोग समाज से भी है, जनता की सेवा में रहते हैं, 40 साल हो गए, हर घर में आप देखिए ना, पीपी के मध्यम वर्गीय लोग तो मर रहे हैं, बीबियों को मार रहे, गहने बेच दिए, बच्चे स्कूल फीस नहीं जमा करे, बच्चे घर में बैठ गए हैं। इस सरकार को बदलना है और मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक, तो अभी और भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैरिकेटिंग कर दिया गया है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, यहाँ पर घेराव करने आए थे सीएम केजरीवाल जी का, यहाँ पे दफ्तर है उसका, उसी का घेराव करने आए थे कांग्रेस के युवा और नेता। यहाँ पर सामने जो है अनिल चौधरी भी मौजूद है, वहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ट्रक और ढोल बाजे के साथ यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जिस तरीके की आपकार नीति लाकर शराबबंदी की जा रही है, और भी महिलाएं यहाँ पर महिलाएं हैं और भी उनसे जानेंगे, लेकिन अभी आप सामने देख सकते हैं युवा और ये सब सभी लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सामने आबकारी नीति की जो है। सर, क्या मनीष सिसोदिया जी किस लिए शर्म करें? मैडम, आपको पता है दिल्ली में शराब नीति जब से आई है, जब से दिल्ली नशे की राजधानी बन गई है, मनीष सिसोदिया ने कितना बड़ा घोपड़ घपला किया इसमें, इसीलिए हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी जी के, अनिल कुमार जी के कहने पर सीबीआई ये जांच बैठाई है, और आज ये दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल उनके कहने पे ये जांच बिठाई गई। शराब तो बहुत पहले से परोसी जाती थी, अभी अभी आप विरोध कर रहे हैं शराब का कि वो ऐसे कर रहे हैं? ठीक है मैडम, पहले से परोसे जाती थी कायदे से, लेकिन अब घर भी थे सर, गली गली में ठेके पहले भी थे। देखिए, गली गली में ठेके नहीं थे, सरकारी ठेके थे, वहाँ पर एक नियम था, एक कानून था शराब का, लेकिन आज नियम कानून था, लोग लुढ़क लुढ़क के पड़े रहते थे, महिलाओं को छेड़ते थे, पहले भी होता था, पहले अब तो सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया है। आज जो युवा पीढ़ी जो आज फ्री में शराब युवा पीढ़ी को दी जा रही है, वो सही नहीं हो रहा, आज बच्चे शिक्षा की तरफ नहीं जाकर शराब की तरफ जा रहे हैं। मैडम, पहले भी जाते थे, अभी भी जो आप छोटे छोटे युवाओं को देख सकते हैं पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, बिल्कुल वो सही नहीं है।
सरकारी ठेकी बंद करके अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने ही जो है शराब की मतलब नीति खोल दी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो शराब पहले जो लोग दवाई के तौर पे लेते थे आज वो उसको दवाई के तौर पे कहाँ कौन लेता है, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छे से मजे से लेते हैं सब पार्टी कार्यकर्ता है जो है वो भी मौज मस्ती और पार्टी करते हैं, कितनी फोटो वायरल। लेकिन ऐसा कभी देखा है आपने शराब को शराब के साथ एक बोतल से दूसरी बोतल फ्री कर दी हो, कभी ऐसा हुआ है? बोतल फ्री मिल रही है तो उससे एक दिक्कत क्या हो रही है कि एक बोतल से भी तो लोग शराब पी रहे थे। मैडम जो एक बैग पिएगा वो पूरी बोतल पिएगा, आप देख सकते हैं उससे ज्यादा नुकसान होगा। जब पैसा खर्च करके इंसान शराब पिएगा तो चाहते हैं छोटी बोतलें मिलने लग जाए। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ठेकेबंदी हो जाए। मैडम लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्यों ऐसा, ठेके बंद हो जाएंगे तो आप जो कांग्रेस पार्टी है सबका तो पैसा उसी से ही आता है, सरकारी ठेकों से आता है, ऐसा कुछ नहीं। हर साल सरकार का रेवेन्यू के लिए सरकार का ही बता रही है मुझे, दाल आटा चावल, ये चावल के साथ चावल, दाल के साथ दाल, चीनी के साथ चीनी, तेल के साथ तेल क्यों फ्री नहीं है, शराब के साथ शराब ही क्यों फ्री है? क्या दिखाना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? ये आप देखेंगे, ये सही है, आप बताइए, गरीब आदमी को रोटी चाहिए, बच्चों को रोटी, आप बताइए, छोटे बच्चों को रोटी चाहिए या शराब चाहिए? शिक्षा तो उपलब्ध करा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, सरकारी स्कूलों के आप ढांचे देख सकते हैं, दिख रहा है टीचर्स को खुद नहीं पता शिक्षा क्या है, ऐसे ऐसे टीचर्स रखे हैं उन्होंने, स्विमिंग पूल तक बना दिए सरकारी स्कूल में। आपकी जब सरकार थी तो ना स्विमिंग पूल थे ना ऐसे सरकारी स्कूलों के ढांचे बदले थे। मैं बता सकता हूँ आपको, यही खड़ा हमारे पास शाहदरा के अंदर बाबूराम स्कूल है, उसके अंदर पिछले 25 साल से स्विमिंग पूल है मैडम। कांग्रेस के टाइम से 25 साल से बता रहा हूँ मैं। अच्छा। 25 साल से एक स्कूल का आप स्विमिंग पूल बता रहे हैं बस? मैडम जहाँ मैं रहता हूँ वही तो बताऊंगा, अब सारी जगह स्कूल तो मैंने देखे नहीं है। बच्चों को हैप्पीनेस क्लास दी जा रही है ताकि बच्चों का जो है, बच्चे क्या घर में क्या बच्चे परेशान, छोटे बच्चे जो प्रेशर हो जाता था पेरेंट्स के, छोटे बच्चे घर में परेशान रहते जो हैप्पीनेस क्लास लेंगे आप, घर में हैप्पीनेस नहीं होती। केजरीवाल ने अपने माँ बाप अपने माँ आपको केजरीवाल ने भेजा है यहाँ पर, आप मुझे बताइए सिसोदिया जी, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप ये बताइए मैडम सिसोदिया, मैडम एक बात बताइए, हमें तो बोलने दो, आप सब आप भी बोल लेंगे तो फिर हम कहाँ से बोलेंगे। बात सुनो, केजरीवाल जी का कौन सा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है बताइए, जवाब दें आप, कोई जाता है? मंत्री का किसी कैबिनेट मिनिस्टर का बता दो या किसी एमएलए का बता दो, किसी का बच्चा स्कूल में जाता है? मैं अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी ने मैंने करा के 22,000 रुपये लोकल स्कूल में मैंने कराया है, मैं सरकारी में क्यों नहीं भेज रहा, ये हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि स्कूलों के अंदर सिर्फ टाइम पास हो रहा है, बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी पढ़ाई कुछ नहीं है। हमारी जो जमीन थी कांग्रेस पार्टी ने क्लिनिक बनाया तो मैडम, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, इतने अच्छे बनाया, कुत्ते सो रहे हैं, लोग मूत रहे हैं, ये सब हो रहा है वहाँ पे, मच्छर, 16 बच्चों की मौत हुई थी, गाय बंदी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं, 16 बच्चों की मौत हुई थी, क्या उनके माँ बाप को तसल्ली? मोहल्ला क्लिनिक जो दवाई नकली देने के ऊपर, अगर आप जाएंगे ना दवाई लेने सर दर्द की तो आपको गले की वो दवाई दे देंगे कि जो गरारे कर लेना, जिसको माउथ फ्रेश लगते थे। आप ठेके की बात कर रहे थे, जमुना पार्क मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, आप ठेके की बात कर रहे थे जमुना पार्क के अंदर, साथी चलते हैं, अच्छा बनाओ, आप ही दिखा दो हमारे को। पश्चिम बिहार में मैंने खुद लोगों से पूछा, बोल रहे बहुत अच्छा इलाज दिया जाता है, दवाइयां मिल रही है सबको। हम भी इस देश के मऊ है, नागरिक है, हम भी बता रहे हैं नहीं करा, हम भी आपको यही कह रहे हैं। नहीं पता रोजगार किसको देना चाहिए, रोजगार की जरूरत किसे है उसे तो यही नहीं पता, एजुकेशन के डिपार्टमेंट की एबीसीडी का ही नहीं पता भी दे रही है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ दे रही है रोजगार, कैसे रोजगार दे रही है? ठेके का, ठेके का भाजपा भी जो है विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी का आप भी कर रहे हैं, कोई मिली भगत है आप लोगों की? उसे तो मिली भगत नहीं मैडम, दिल्ली के अंदर जो सरकार होगी उससे तो कहेंगे, किससे कहेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो दिल्ली में सरकार होगी कहेंगे तो उसी को, जिसके हाथ में करना होगा उसी को तो कहेंगे। अब बताइए 25-25 साल के कमरे बन रहे हैं, 25-25 लाख के कमरे बन रहे हैं, क्या ये सही है? कौन सा कमरा 25 लाख का बनता है आप मुझे बताइए? शराब फ्री दे रहे हो, छोटे बच्चों खाना फ्री दो, आटा फ्री दो, चावल फ्री दो, केजरीवाल द्वारा राशन फ्री मिल रहा है वो मैडम, राशन देखो कैसा है वो, मैडम वो जो बिल्कुल वो कोई खा ही नहीं सकता है राशन है। मैं जानना चाहता हूँ केजरीवाल जो कहते थे कि मैं ये मेरे जो विधायक हैं मैं उनको चुन चुन कर लाया, उनको भरोसा करा था, आज उन्हीं के विधायक क्यों भ्रष्टाचार में बंद हो रहे? सतेंद्र जैन कहता है मेरी याददाश्त चली गई है, मनीष सिसोदिया, मनीष राहुल गांधी पे भी तो ईडी की जाँच, ईडी की जाँच करी थी, खुद राहुल गांधी का किसी ने नहीं दिखाया, ईडी की जाँच राहुल गांधी की करी थी तो राहुल गांधी ने ईडी वालों से सवाल, अभी भी चल रही है। और वो मैं बता रहा हूँ
राहुल गांधी से जो सवाल पूछे थे उनका जवाब दे रहे थे, उल्टा राहुल गांधी पूछ रहे थे। वो क्यों नहीं दिखाती आपके न्यूज, वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आप मीडिया भी क्यों दिखा रहे हैं? आप विधानसभा पटपड़गंज से मैं आता हूँ, सारी मीडिया भी क्यों है? सारे नेताओं के बीजेपी वालों के केजरीवाल कांग्रेस की मीडिया क्यों नहीं है? कांग्रेस की अपनी मीडिया क्यों नहीं है? मैडम मेरी बात सुनो, आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, क्या अच्छा काम करा इन्होंने? मैं पटपड़गंज विधानसभा से आता हूँ, जो ठेका सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। हाँ जी बताइए, कांग्रेस की अपनी मीडिया क्यों नहीं है? कांग्रेस की मीडिया क्यों नहीं है? आज से पहले कांग्रेस बोलते भाजपा की मीडिया है, है? बताओ, अगर झूठ बोल रहे हो आप। अगर कांग्रेस भ्रष्ट होती इनकी तरह तो आज कांग्रेस की मीडिया खुद खड़ी होती रोडों पर। किनकी तरह भ्रष्ट? जैसे ये दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, पार्टी और बीजेपी, फिर स्कूल के सामने पानी इतना दे रहे हैं, फ्री आ रही मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, पानी फ्री, मीडिया को विज्ञापन इतना दे रहे हैं, मीडिया को अगर फ्री मिल रहा है, अगर रोड पे आओ, रोड पे आपके देखो मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में दो दो फुट पानी भरा रहता है जब बारिश आती है, पानी फ्री है इसीलिए भरा रहता है रोडों में पानी लोगों को। मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, है शिक्षा मंत्री, और एक चाय की पत्ती भी फ्री करा दो। मैं अपने बच्चे के हक के लिए पब्लिक स्कूल में जिस विधानसभा के वो विधायक है, मैं अपने बच्चे के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। महिलाएं क्या सारे के सारे पीते हैं, इसमें क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आज जो है यहाँ पर हम लोग किस उसके लिए खड़े हैं ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। शराब की नीतियाँ जो है आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी आपने हमारी अध्यक्ष साहब ने मैडम ने बोला कि जब जरूरत थी कंप्यूटर की तो कंप्यूटर हमारे पास आया, तो उस वक्त यही जो आज रूलिंग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या था कि उनको सब चीज़ें से शांत किया था, पर उन्होंने जो है फिर भी उसको प्रोटेस्ट किया था कि हमारा जो है रोजगार खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें खत्म हुआ, पर उस वक्त हम लोगों को तो नहीं था, नहीं हमने बीड़ी सिगरेट या शराब की उससे हमने पैसा जनरेट करना है, पर आज जो है पैसे से ज़्यादा जरूरी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारे अपने व्यक्तित्व को बचाने की ज़रूरत है। आप एक यंग पत्रकार और आप महोदय, आप जो भी जिस भी न्यूज चैनल से है, आप किसी ठेके के आगे कभी खड़े होकर देखिए ना, ठेके के आगे भीड़ अंदर जाने की नहीं होती है, जितना बाहर क्राउड गंदा खड़ा होता है, आप निकल के देखिएगा एक बार। वो ठेके नहीं है, पहली बात तो ये, वो ठेके नहीं है, वो शोरूम है। ठेके तो सरकारी हुआ करते थे, सरकारी सर आपकी दुकान है, वो छोटी सी दुकान है, ठेके एक जाल लगा हुआ आगे, लंबी लाइन लग रही है, ये बकायदा है, तो रेस्टोरेंट है, बार है, शोरूम है, अंदर जाइए, वीआईपी ट्रीटमेंट, बैठने की जगह, 3 बजे तक रात को खुल रहे हैं दारू के अड्डे, ठीक है, अड्डे, ये ठेके नहीं है, अड्डे है। टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप ठेके भी बदल दिए। टेक्नोलॉजी का मतलब है तो आप बड़ा करोगे क्या? अरे टेक्नोलॉजी का मतलब है तो घर घर शराब पहुंचाओगे क्या? अमेजोन पे बेचोगे क्या? अरे इतना ही अगर बेचना तो दूसरी भी चीजें हैं बेचने के लिए। आपने क्या कहा था, आपने चुनाव में आने से पहले ये कहा था कि अगर किसी मोहल्ले की महिलाएं ये बता दें कि अगर उनके घर के आसपास ठेका खुला हुआ तो हम खुलने नहीं देंगे, और आज क्या महिलाओं की परमिशन ली इन्होंने? ऐसी ना जाने कितनी वीडियो आज भी मौजूद हैं, और ना जाने इनके कितने ऐसे वादे मौजूद हैं जिन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी मोहल्ले में ठेका यानी कि शराब की दुकान तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक वहाँ की महिलाएं इजाज़त ना दे दें। कितनी महिलाओं से इजाज़त दी? और दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी सरकारी दुकान में शराब की दुकान किसी भी हॉस्पिटल और किसी भी स्कूल के पास नहीं खोली जाएगी, क्या ये अमल में लाया गया? और इनके साथ में एक बात और, जो ठेकेदारी व्यवस्था इन्होंने बनाई वो किससे किस मापदंड पे बनाई गई आपको मालूम है? वो एक 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 ठेके के लिए कितना करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट गया आपको मालूम है? इसमें जो है इनकी पार्टी से लेकर सारे के सारे जो आज हम लोग मनीष सिसोदिया और इनके जो केजरीवाल इनके घेराव कर रहे हैं या हम लोग चाहते हैं कि वो जेल में जाएं, आज इन्होंने जो है ये सब चीज़ों को लेकर आज एक सबसे बड़ा पाप कर दिया है। अब बड़ी बात ये कि 144 करोड़ की जो लाइसेंस फीस इन्होंने रद्द की है, किसके वजह से रद्द की है? तो अब एलजी ने भी तो ऑर्डर निकाल दिया ना, आप उसका इंतजार कीजिए। आप कहते हैं बिल्कुल इनका ये बर्खास्त हो जाए तुरंत ही, अपना पद से त्याग, उसका इंतजार कीजिए ना, कितना इंतजार करें, आदेश दे दिया। याद कीजिए अगर ये सड़कों पे उधर जाया करते थे तो अगले दिन इस्तीफा हो जाया करता था, कैसा नहीं याद कीजिए, बचाया नहीं जाता था। मतलब आप जो है आज तक इस्तीफा हुआ है क्या? अब कांग्रेस मतलब जाग चुकी है, दफ्तरों से निकल के रोडों पे आ गई। एग्जैक्टली जागी है, पहले क्यों नहीं जागी? संसद से सड़क तक मिश्रण होगा, ठीक है, उत्पात होगा, ठीक है। सामने आप देख सकते हैं, ये भाई साहब दिखा रहे हैं बोतल की शक्ल, आप देख सकते हैं ये बोतल कितने तक की आती है। केजरीवाल थे जो उसके चिंटू से ने 2 दिन पहले पुकार रहे थे, पापा हम भी सिंगापुर जाऊंगे, सिंगापुर जाने के लिए अपने पापा को बोल रहा, पापा मैं भी सिंगापुर जाऊंगा, लेकिन पापा के बेटे को ये नहीं पता था कि तुम क्या जेल में जाओगे।
ये देखो ये ब्लंडर प्राइड, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली का बेड़ा गर्क, सत्यानाश 12-13 कर दिया दिल्ली को। दिल्ली के युवाओं को सड़कों पर 8 महीने से पीने वालों की भावनाएं आहत कर रहे हैं। अब जो जिसकी ठेस पहुंचे आप उसे मुझे नहीं पता। पिछले 8 महीने से दिल्ली के ठेकों पर लाइन लगी हुई है। गलत पैर तो बता दो, दिल्ली के ठेकों पर किसी एक के साथ एक फ्री, बियर के साथ बियर फ्री। अरे भगत सिंह की औलाद बताने वाले, अरे 23 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी झूल गए थे। एक बार झूठ मूठ जाके खंबे पे चढ़ जाए केजरीवाल, रास्ता लेके एक बार चढ़ तो जा, पता तो लग जाएगा। अरे दिल्ली के सीएम है, उनको आप ऐसे बोल रहे हैं। देखो जिस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करके 300 पन्नों की फाइल लेके आए थे कि मैं शीला दीक्षित को जेल पहुंचा दूंगा। नीम का पत्ता कड़वा, केजरीवाल बहुत बड़ा बड़वा है। आप गाली दे दे रहे सीएम को, बड़वा बिल्कुल कहेंगे, बड़वा गाली लगती हो तो एक बार और कहेंगे नीम का पत्ता कड़वा। संसद में ये शब्द जो है, ये सारे शब्द बोलने पर मनाही है, और आप जो है हम आम जनता है, हम अपने पारित हो चुका है। संसद के अंदर बोला जाना मना है, सड़क पे थोड़ा मना है। आप सड़क पे कुछ भी बोलेंगे सीएम को, कुछ भी क्या बोलेंगे, क्या बोल दिया दिल्ली के सीएम को आप, क्या बोल दिया गलत। अरे बड़वा तो बोला है, बड़वागिरी कर रहा है।